गैजेट वाला बैक इन इस गाड़ी वाला अवतार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीप कंपस पेट्रोल ऑटोमेटिक का रिव्यू. वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एसयूवीज. इनफैक्ट इसको देख के मुझे मोहब्बत हो रही है. वेरी बैड शाहरुख खान इम्पर्सोनेशन. एक्सलेंट एसयूवी. आपको याद होगा मैंने जीप कंपस रिव्यू की थी विद माय गुड फ्रेंड राजेश डिसूजा जो एक प्रोफेशनल रेसर है और हम दोनों का जो कंक्लूजन था वो कुछ इस कदर था दैट इट्स अ फैंटास्टिक प्रीमियम लुकिंग एसयूवी. दिस वाज द 2 लीटर डीजल इंजन दैट वी हैड रिव्यूड बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि 2017 में जीप हमें एक मैनुअल यानी कि स्टिक शिफ्ट गाड़ी चलाने पे मजबूर कर रही है विच इज़ वाई मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था फॉर द ऑटोमेटिक. दिवाली पे डिलीवरी शुरू हो गई एंड ऑफकोर्स गैजेट वाला गॉट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू डिलीवरीज. नॉट ऑफ द कार, मैंने खरीदी नहीं है फॉर टेस्ट ड्राइव इसे चलाने के लिए. सो वट वी नाउ हैव इज अ 1.4 लीटर मल्टी एयर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन विथ अ 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन in this package which according to me 20 lakh rupees ke andar is the best looking SUV package period. Now looks ke mamle mein and that is frankly one of the biggest talking points Jeep Compass is SUV ko lekar. Looks ke mamle mein this looks very similar to every other Jeep Compass. Ye 3 variants mein aata hai. Jo base variant hai uska naam hai Sport and then there are 2 variants jisme automatic available hai which is limited and limited option. Now the big difference is this is dual tone. I don't know if you can tell it but the roof is black in color and there's a beautiful amount of splattering of chrome up here in the front, especially jo 7 slats hai, jo front grill hai, jo Jeep ka ek iconic design cue hai. I'm saying this again and again because वाकई में ये सबसे बड़ी हेडलाइन है Jeep Compass की. Looks के मामले में there is no better looking SUV. अगर आप कंपटीशन देखोगे तो महिंद्रा की XUV 500 या फिर टाटा की हेक्सा विच ऑल्सो लुक्स बिग एंड ब्रॉनी दस ह्यूंडई टूसॉन एंड आई एम नॉट रियली श्योर इफ द इनोवा क्रिस्टा इज रियली कंपेटिटर बिकॉज इट्स जस्ट अ यूटिलिटी व्हीकल नॉट अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो ये कैटेगरी में बैठता है. एंड इनफैक्ट ये इससे महंगी गाड़ियों से भी टक्कर लेता है. जो 25-30 लाख रुपये की गाड़ियाँ होंगी ये लगभग 25-30 लाख रुपए की एसयूवी लगती है व्हेन यू आर स्पेंडिंग अबाउट 19-20 लाख रुपीज ऑन रोड फॉर द पेट्रोल ऑटोमेटिक हियर इन मुंबई. एंड गिवन दैट दिस इज अ 1.4 लीटर पेट्रोल मल्टी एयर इंजन दिस प्रोड्यूसेस अबाउट 163 ब्रेक हॉर्स पावर एंड इट इज नॉट स्लो एट ऑल डिस्पाइट द रिड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट कंपेयर टू द 2 लीटर डीजल. ये 0 to 100 लगभग 10 से 11 सेकेंड में कर लेता है बट जो नियत होती है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की आई एम श्योर आप इससे वाकिफ होते हैं. नाउ इसके प्रपोर्शंस को देखिए इमीडिएटली आपको अंदाजा लग जाएगा दैट दिस इज अ बिग एंड हैवी एसयूवी. लगभग 1.5 टन इसका वजन है बट द 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन काफी काबिल है टू गेट दिस ऑफ द मार्क. इनफैक्ट दिस डज अबाउट 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन अप्रॉक्सिमेटली 10 to 11 seconds एंड दिस हैज व्हाट यू कॉल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिड रेंज. अब एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की जो फितरत होती है ऑब्वियसली इसकी भी वही नियत है. अबाउट 2000 RPM दिस विल फील स्लो स्लगिश एंड हेजिटेंट कि भाई साहब हो क्या रहा है गाड़ी को, अभी नींद से उठ रहे हैं महाराज? व्हाट इज हैपनिंग? प्लीज टू बी वेकिंग अप एंड गेटिंग अ कप ऑफ कॉफी, अ रियली स्ट्रॉन्ग वन. द मिनट आप 2000 RPM क्रॉस करते हैं इट्स लाइक एस्प्रेसो के शॉट के ऊपर शॉट के ऊपर शॉट एंड ओ माई गॉड द टॉर्क स्टीयर इज रियल. मेक श्योर यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील really nice and tight because this has a crazy amount of torque suddenly right from 3000 to 6000 rpm mark. This is such a fun SUV to toss around and to drive. And of course hamesha ki tarah jo Jeep Compass ke driving dynamics hain, jo suspension setup hai, it's beautiful. Of course not as plush as the Tata Hexa which is a bigger heavier 2-ton machine and has massive 17-inch wheels. Isme wheels, I'm talking like Malika Dua, but isme 17-inch ke wheels aapko mil jayenge jo optional hai on the limited O which is the third top variant on the automatic petrol. Okay, the point is this is a super fun SUV to drive. Now the petrol automatic only comes in 4x2 option. There is no four wheel drive yani ki andar jo all terrain setup hai wo mode dial aapko nahi milega which means there's an increased storage. There is a simple gear lever jisme aap driving mode choose kar sakte hain. Now internally there's hardly any difference compared to the diesel manual that we drove. Of course sabse bada difference hai gear lever ka jisme ek automatic gear lever aapko milta hai but the problem is there are no
paddle shifters. Hello, Jeep. We're talking to you. There is no sports mode. Hello, Jeep. We're talking to you. There is, of course, jo gear lever hai, usme manual hai. So in case you want to upshift or downshift manually, agar aap घाट सेक्शन ड्राइव कर रहे हैं या फिर हाईवे पे ज़्यादा अग्रेसिवली ओवरटेक वगैरह करना चाहते हैं सो देर इज़ एन ऑप्शन फॉर दैट बट फॉर द मोस्ट पार्ट जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इट वर्क्स ब्यूटिफुली सिटी ड्राइविंग नाइसली क्रूजिंग अलॉन्ग ऑन द हाईवे 100-110 किलोमीटर्स पर आवर सीमलेस गियर शिफ्ट्स हैं जो स्टॉप गो ट्रैफिक होता है उसमें कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं एंड देन ऑफ कोर्स यू पुश द पेडल हार्ड एक्सेलरेटर का एंड देन यू नो आप अपनी जो मंशा है जो इंटेंशन है वो क्लियर कर देते हैं कंपास को एंड देन इट सिंपली फॉलोज योर ऑर्डर्स द रेस्ट ऑफ द इंटरनल कैबिन इज लाइक आई सेड वेरी सिमिलर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द डीजल द ब्यूटिफुल प्लश अपहोल्स्ट्री आई स्टिल डू थिंक दैट द वाइट इंटीरियर्स आर रिस्की अफेयर मैनेज करने में अस्यूमिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट लाइक माई फ्रेंड राजेश डिसूजा सेज इट लुक्स वेरी प्रीमियम विच इट डज इन फैक्ट इट्स कंफर्टेबल ए सी इज ग्रेट साउंड सिस्टम इज फैंटास्टिक टच स्क्रीन इज गुड एंड्रॉयड ऑटो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एप्पल का प्ले अगर आपके पास एप्पल आईफोन है सो ऑल ऑफ दैट इज अ फैंटास्टिक thing. The only thing I sorely missed on the Jeep Compass, nahin, sunroof bhi mat do yaar mujhe Jeep, that's absolutely okay. Cruise control. You've got an automatic and you don't have cruise control. It sticks out like a really sore thumb. Jeep Compass, two variants mein available hai. Petrol automatic version, 18.96 mein limited and 19.67 mein limited option, jahan pe aapko 17-inch wheels ka option milta hai. Now, you could pick either of them and I highly recommend the petrol and automatic because frankly, that's the only kind of car you should be buying in 2017. Trust me on this, you only want to buy an automatic. You do not want to buy a manual car. The minute you sit in an automatic aur aapko gear bar 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 clutch daba ke change nahi karte rehna padta hai, you realize ki meri aadhi zindagi to life expectancy yahi pe badh gayi hai. Because stress itna kam ho gaya hai, ghutne ka dard ya ankle ke jodon ka dard, ye sab kam ho gaya hai. So automatic is the one to buy in urban areas. Unless aap hardcore 4x4 chahte hain, then to obviously the only option you have is the diesel 4x4 of the Jeep Compass. So in summary, the Jeep Compass petrol automatic is an incredibly fantastic package. Highly recommended agar aapka budget lagbhag 20 lakh rupay tak ka hai. In fact, maine Twitter pe ek poll bhi kiya tha, jisme maine Tucson, XUV, Compass and Creta ke beech mein logon se kaha tha, agar aapka 20 lakh rupay budget hai, which one will you like to buy? And of course, Compass was the choice of machine for more than 50% of the people. Shows how amazingly popular it is. 8 se 10,000 Jeep Compass FCA yani Jeep ne already India mein bech di hai in a matter of couple of months. This number is only going to increase more and more. This is Ankit signing out. If you like the review, zarur comment kijiyega, like kijiyega, share kijiyega. If you haven't subscribed to my channel, please do that. Lot of cool content coming up. And of course, the phone that's in my pocket, Google Pixel, uska review also coming up very, very soon. In case you haven't seen it already, maybe it's already up. Maybe the link is here. Maybe it's me. Check it out, guys. This has been a fun one. I'm off to the roads with the Compass to get a lot of stares. This gets a lot of stares. I always thought it was me, but it's really the car. It's a good reality check. Okay, bye. Cut.